उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आज मैं बीकॉम स्तर पर संचालित अकाउंटेंसी फर्स्ट पेपर को लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे लर्नर्स, आप लोगों को पिछली कक्षाओं में हमने बीकॉम अकाउंटेंसी से संबंधित कुछ हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के नियम, अकाउंटिंग के जो शब्दावली हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। और जैसा कि बीकॉम में जो छात्र प्रवेश प्राप्त करते हैं वो कुछ छात्र कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो किसी अन्य स्ट्रीम से रहते हैं प्लस टू लेवल पे, और फिर वो बीकॉम में प्रवेश जब प्राप्त कर लेते हैं तो उनको अकाउंटिंग में कुछ समस्याएं आती रहती हैं, और विशेषकर से अकाउंटिंग को जानने के लिए कुछ जो बेसिक्स चीज़ें हैं आज उसके बारे में हम आप लोगों को पुनः बतलाएंगे। तो आइए हम आज के क्लास में देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे उसको इस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास में हम देखेंगे जर्नल्स और जर्नल्स की सहायक बहियां। तो जर्नल के बारे में कुछ गुणधर्म, उसके फॉर्मेट को हम जानेंगे और उस फॉर्मेट में कैसे जर्नल एंट्री की जाती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जर्नल की जो सहायक बहियां हैं, सहायक बहियों में हम देखते हैं तो कैश बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, परचेज बुक्स, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक। आज के इस लेक्चर में इन बिंदुओं को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल्स के बारे में। तो जर्नल क्या है? तो अकाउंटिंग करने के लिए जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सबसे पहले हम जिस बुक में एंट्री करते हैं उस बुक को हम जर्नल के नाम से जानते हैं। तो ये अकाउंटिंग की सबसे बुक कीपिंग के लिए प्राइमरी बुक मानी जाती है, जैसे कि द जर्नल आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो व्यवसाय में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं, इसलिए इसे हम मूल पुस्तक के रूप में जानते हैं। और जर्नल में क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, किन किन बातों को हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे वो इस प्रकार से हैं। तो द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, सबसे पहले जर्नल में जर्नल एंट्री करते समय हम उसके डेट, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस के डेट को हम ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होता है उस अकाउंट्स को देखते हैं कि वो डेबिट में है तो डेबिट में उससे संबंधित कौन सा अमाउंट इन्वॉल्व है उसको हम यहाँ से देखते हैं। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट से संबंधित उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को इन्वॉल्व जो भी है उसे देखते हैं। और उसके बाद उस जर्नल में हम एक शॉर्ट नोट, जिसको हम नरेशन के रूप में जानते हैं, वो लगा देते हैं। इस प्रकार से ये जर्नल। अब आगे हम जर्नल के प्रोफार्मा को देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट इसलिए जानना भी जरूरी होता है, जैसे कि अकाउंटिंग के बारे में कहा गया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। तो जब आर्ट एंड साइंस की बात होती है तो जो हमें ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है तो जर्नल हमारी बुक है, उस बुक में हम किस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे, उसका प्रारूप कैसा होगा, तो प्रारूप को आप सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे जो होगा जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, और इन द बुक ऑफ के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉट डॉट हमने लगा दिया है। इसका आशय यह है
कि जो व्यवसाय है उस व्यवसाय का यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं। वो व्यवसाय जिस नेम से संचालित होता है, चाहे वो कोई सामान्य व्यवसाय हो या कंपनी हो या इट्सेट्रा कुछ भी हो, कोई फर्म भी हो, तो वहाँ पे उसका नाम डाल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो राम एंड सन्स कंपनी या राम एंड सन्स फर्म, राम एंड सन्स कंपनी, मोहन कंपनी और इट्सेट्रा। उसके बाद अब हम जब ये हेडिंग डाल देते हैं तो जर्नल के प्रोफार्मा में सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है वो डेट का है। तो इसका पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है। उसके बाद दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होता है। और तीसरे कॉलम में हम LF की तरफ बढ़ते हैं। तो LF लेजर फोलियो नंबर, जो हमारा ट्रांजैक्शन जब हम इसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं तो उस लेजर के उस पृष्ठ को जहाँ पे उसकी पोस्टिंग की गई रहती है उस पृष्ठ के संख्या को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कॉलम हमारा जो है वो डेबिट का है, दूसरा कॉलम जो हमारा है वो क्रेडिट का है। तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम पे तैयार होता है, और डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट और एक क्रेडिट की बात कही गई है। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन के पास डेबिट और क्रेडिट होता है, इसलिए जर्नल एंट्री करते समय हमने अमाउंट के लिए दो कॉलम बना रखा था। पहला कॉलम हमारा डेबिट का, दूसरा कॉलम हमारा क्रेडिट का है। तो प्यारे लर्नर्स, अब जर्नल में कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे उसके बारे में हम कुछ मुख्य बातों को आपको अभी बतला देते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे तो उस समय आप लोगों को स्पष्ट प्रैक्टिकल करते हुए दिखलाएंगे कि कैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करने को जर्नलाइजिंग, यानी कि हम कैसे जर्नलाइजिंग करते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपके समक्ष एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मिस्टर विजय ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया और वह व्यवसाय 10,000 रुपए से उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये सबसे पहले हम इसमें पता करेंगे कि क्या ये मोनेटरियल टर्म में है। तो जाहिर सी बात है कि ये व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है और 10,000 रुपए से प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये मोनेटरियल टर्म में है। अब इसके साइड्स को हम पता करेंगे, साइड्स को पता करेंगे कि क्या ये किस खाते से इसका रिलेशन है। तो जब किस खाते से रिलेशन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिजनेस हमारे जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो उसमें जो कैश है वो इन्वॉल्व है। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल होता है, रियल एसेट के रूप में जाना जाता है। तो कैश रियल अकाउंट से इसका रिलेशन है, और रियल अकाउंट का जो रूल्स है 3 गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो जो बिजनेस में बिजनेस व्हाट कम्स इन डेबिट, तो जो बिजनेस में हमारे इन कर रहा है वो डेबिट होगा और गोज आउट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जो रियल अकाउंट से रिलेशन कैश का है, तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो यहाँ पर पहले तो डेट लिखेंगे। तो डेट में जिस डेट को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था मिस्टर विजय ने, वो उस डेट को लिखेंगे और विजय का नाम यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि ये जर्नल एंट्री विजय के बिजनेस में वो हो रहा है। तो मिस्टर विजय एंड सन्स ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया अगर, तो यहाँ पे मिस्टर विजय एंड सन्स लिख देंगे। और उसके बाद पर्टिकुलर डेट के कॉलम में हम डेट लिखेंगे, और डेट लिखने के बाद अब उसके लिए कैश अकाउंट लिखेंगे। और कैश अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे लेजर फोलियो, क्योंकि अभी हम लेजर नहीं प्रिपेयर किए हैं इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे। अमाउंट के कॉलम में ये कॉलम जो हमारा है ये डेबिट के
लिए रखा गया है और ये क्रेडिट के लिए रखा गया है। तो जब हम जर्नल एंट्री किए हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे हम 10,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद अब इसका दूसरा पक्ष हम देखेंगे, तो दूसरा पक्ष जो हमारा है वो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल के रूप में उसका इन्वॉल्वमेंस, वो कैपिटल के रूप में वो इन्वॉल्व है, तो उस प्रकार से हम अब यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। टू कैपिटल, अब टू यहाँ क्यों लगाते हैं, तो डेबिट के लिए क्रेडिट, तो डेबिट के लिए यहाँ कैपिटल क्रेडिट है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट था तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट, तो अब टू कैपिटल अमाउंट हमारा क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अभी जर्नल के बारे में हमने कहा कि एक शॉर्ट नरेशन के रूप में हम यहाँ पर लिख देंगे कि वो ट्रांजैक्शन, ये जो हमने जर्नल जर्नलाइजिंग किया है, उस जर्नलाइजिंग के लिए हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है, तो उसे हम लिखेंगे बीइंग। सबसे पहले बीइंग लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड बाय विजय एंड सन्स विद ₹10,000। उसके बाद कॉलम को हम क्लोज कर देंगे, फिर अगले ट्रांजैक्शन के तरफ बढ़ेंगे। अब अगले ट्रांजैक्शन के रूप में जैसे कि हम गुड्स परचेज्ड विद कैश ₹5,000, अगर ये उदाहरण हमारे पास है तो गुड्स परचेज, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स इन करता है और गुड्स भी हमारा क्या है, तो गुड्स हमारा एक रियल अकाउंट से इसका रिलेशन है, तो गुड्स के रूप में चाहे हम गुड्स वर्ड यूज करें या इसके लिए परचेज वर्ड यूज करें, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने विद कैश हमने ट्रांजैक्शन किया है, तो जब कैश ट्रांजैक्शन किया है तो कैश हमारा बाहर जा रहा है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल्स के भी आप पे हम ये कहेंगे कि टू कैश अकाउंट। उसके बाद नरेशन में लिखेंगे विंग गुड्स परचेज विद कैश ₹5,000। उसके बाद अमाउंट के कॉलम में डेबिट में हम 5,000 लिख देंगे, क्रेडिट में 5,000 लिख देंगे। इस प्रकार से हम ऐसे जर्नल एंट्री करते चले जाएंगे और आगे जब भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आएंगे उस समय आपको भली भांत करके दिखाया जाएगा। अभी तो आपको एक फॉर्मेट बताया जा रहा है, विशेषकर से उन छात्रों के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, अदर बैकग्राउंड के छात्र होते हैं और वो सीधे बीकॉम में प्रवेश ले लेते हैं, उनको अकाउंटिंग के गुणधर्म नहीं पता रहते हैं, बेसिक्स नहीं पता रहते हैं, इसलिए अकाउंटिंग करने से पहले हम अकाउंटिंग के उन सभी बिंदुओं को जानना चाहते हैं और जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी प्रॉपर वे में हम अकाउंटिंग वर्क नहीं कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए प्यारे लर्नर्स, आप लोगों के लिए विशेषकर से इस लेक्चर में मैं केवल फॉर्मेट की बात करूंगा और उस फॉर्मेट में मैं जर्नल और जर्नल की सहायक बहियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो अब आगे कौन सा हमारा फॉर्मेट आएगा, तो जर्नल के बाद जर्नल की सहायक बहियां हैं, तो सहायक बहियों में अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सहायक बहियों में हमारा कैश बुक आता है। तो कैश बुक, जैसा कि इसका नाम ही आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे दे रहा है, और अपने एक्सप्लेनेशन में ये क्या कह रहा है, तो कैश बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश। व्यवसाय में सभी ट्रांजैक्शन जिनका संबंध कैश से है वो सीधे कैश बुक की बात करता है, और व्यवसाय में ट्रांजैक्शन विशेषकर से कैश ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम जो जर्नल की सहायता करने के लिए सीधे हम जर्नल में एंट्री न करते हुए हम कैश के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कैश बुक में हम एंट्री कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम इंक्लूड करें तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश,
जो भी हमने खर्चे कैश में पे कर दिए, जो भी पेमेंट कर दिए, उन सारे पेमेंट्स को हम कैश बुक में शो करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे कैश रेवेन्यू है, जो भी कलेक्शंस हैं, जो भी पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जो कुछ हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, जो कुछ कैश में हम रिसीव कर रहे हैं, इन सभी को हम कैश बुक में इन्वॉल्व करेंगे, कैश बुक में लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर एक नोट के रूप में आप देख रहे हैं कि कैश बुक ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। कैश बुक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। जब कभी आप आने वाले समय में जब इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये कैसे पता हो कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है? तो जब बैलेंसिंग, जब उस लेजर का बैलेंस आप बनाएंगे, तो पर्टिकुलर जो लेजर होता है, इट मीन्स कैश अकाउंट, तो कैश बुक भी कैश अकाउंट को रिप्लेस करता है। तो इस कैश बुक का जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट आता है, तो डेबिट हमेशा वो डेबिट होगा, ये आप मन में बैठा लीजिए। और साथ ही साथ कैश जो होता है वो पार्ट होता है करंट एसेट्स का, और जो भी एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस है। आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो कैश बुक के बारे में, अभी हम आपके सामने कैश बुक को हम लेकर के आए, तो इस कैश बुक को हम निम्न रूपों में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ये है कि यह कैश बुक केवल कैश की बात करेगा, कैश से अन्यत्र किसी अन्य चीज की बात नहीं करेगा। जैसे कि डिस्काउंट की बात या बैंक से संबंधित कोई भी घटना हो सकती है, उसके बारे में सिंगल कॉलम कैश बुक आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो केवल कैश से उसका डायरेक्टली संबंध होता है, उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक में लेकर के आते हैं। जैसे कि आप देखिए, कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर अकाउंट। जब हम लेजर तैयार करते हैं तो लेजर में डेबिट और क्रेडिट साइड होता है, तो उसी तरह से इस कैश बुक जो सिंगल कॉलम है, ये जस्ट लाइक लेजर अकाउंट, देयर इज नो नीड टू ओपन अ सेपरेट कैश अकाउंट इन द लेजर। जब लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे सेपरेट कैश अकाउंट हम नहीं ओपन करेंगे, हमारा वो कैश अकाउंट का जो वर्क है वो फुलफिल करेगा कौन? हमारा सिंपल कैश बुक। उसके बाद अब आगे चलते हैं तो देखते हैं इसके प्रोफार्मा को, सिंपल कैश बुक का प्रोफार्मा कैसा रहेगा। तो सिंपल कैश बुक का प्रोफार्मा में सबसे पहले हम हेडिंग को ध्यान में रखेंगे। हेडिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले सिंपल कैश बुक का जो हमारा हेडिंग होगा, कैश बुक सिंगल कॉलम के रूप में इसे हम देखेंगे, यानी कि ये जो कैश बुक होगा इसमें एक सिंगल कॉलम होगा। कॉलम सिंगल कॉलम का आशय है अमाउंट के कॉलम से। यहां पर आप देखिए तो कैश बुक के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट साइड में हमारा अमाउंट का एक सिंगल कॉलम, क्रेडिट साइड में अमाउंट का एक सिंगल कॉलम। प्यारे लर्नर्स, डेबिट और क्रेडिट द्वारा लेखा प्रणाली के अनुसार जो भी ट्रांजैक्शन है उसका संबंध डेबिट और क्रेडिट से ही होगा, दोनों ही पक्षों से होगा। तो अब इसमें कैश बुक जो है सिंगल कॉलम में, सबसे पहले डेट है, उसके बाद पर्टिकुलर है, फिर लेजर फोलियो नंबर है, और उसके बाद अमाउंट का कॉलम है। वाइस वर्सा क्रेडिट साइड में ही में भी ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम सिंगल कैश में
सिंगल कॉलम जो कैश बुक है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी हम एंट्री करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक के बारे में आपको मोटे तौर पे थोड़ा सा ये हाइलाइटर पॉइंट जो है उसे देख लेते हैं। तो हियर वी हैव एन एडिशनल डिस्काउंट कॉलम। एडिशनल एक कॉलम हमें मिलेगा जिसका नाम डिस्काउंट के रूप में जाना जाएगा। ऑन ईच साइड डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड में हम एक एडिशनल और कॉलम बना लेंगे जो डिस्काउंट के नाम से जाना जाएगा। और यही हमारा सिंगल कैश जो सिंगल कॉलम कैश बुक थी उसी को ये इन्हेंस कर रहा है एक जो एडिशनल कॉलम लेकर के, जैसा कि इसके नाम से हम देख रहे हैं कि डबल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में जो एडिशनल कॉलम हमारा बढ़ जाता है वो डिस्काउंट का होता है। अब डिस्काउंट इसके प्रोफार्मा पे सीधे चलते हैं। प्रोफार्मा में आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ गया, क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट बढ़ गया। तो ये जो कॉलम है ये इन्हेंस हो गया इसमें जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हम देखे थे कि डेबिट और क्रेडिट साइड में डेट था, पर्टिकुलर था, अलग था और अमाउंट था। डबल कॉलम कैश बुक में यही ध्यान देना है कि हमारा डिस्काउंट का कॉलम बढ़ गया। उसके बाद क्रेडिट साइड में भी यही ध्यान देना है कि अमाउंट से पहले हमारा डिस्काउंट का कॉलम बढ़ गया। अब ये डिस्काउंट का कॉलम क्यों रखा जाता है? तो प्यारे लर्नर्स, आप लोगों को ये बातें बता दूं कि व्यवसाय के जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कभी जल्दी प्राप्त करना होता है तो एक प्रलोभन दिया जाता है। प्रलोभन का मतलब लालच दिया जाता है कि जिसके प्रभाव में आकर के वो जल्दी पेमेंट मिल जाता है। और जल्दी पेमेंट मिल जाने से हमारे व्यवसाय की गतिविधियां गतिमान हो जाती हैं। जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम चाहता है वो अपने अनुसार डिस्काउंट का प्रावधान करता है। तो इसलिए हम यहाँ डिस्काउंट का कॉलम अलग रखते हैं। और इस डबल एंट्री कॉलम को भी ध्यान से आप एकदम से मन में बैठा लीजिए। इसका हेडिंग होगा कैश बुक डबल कॉलम, उसके बाद डेबिट साइड में हमारे पास देखें तो डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, डिस्काउंट है, अमाउंट है। पांच कॉलम आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। वही क्रेडिट साइड में भी आपको पांच कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड है दोनों को मिला दिया जाए तो हम कहेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास 10 कॉलम मिलते हैं। और इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन हमारे व्यवसाय में होगा, जो भी सौदा होगा, जो भी लेन देन होगा और जिसका रिलेशन केवल कैश से होगा उसको हम यहां पर ला करके एंट्री करेंगे, प्रविष्ट करेंगे। यहां पर प्रविष्ट करने के लिए ध्यान देना होगा कि क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व है कि नहीं, और वो डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो भैया फिर यहां पे उसकी जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी, उसकी प्रविष्ट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि नाम है इसका कैश और डबल कॉलम, डबल कॉलम मींस विद डिस्काउंट, तो जो भी कैश डिस्काउंट होता है उसी को हम इस डबल कॉलम कैश बुक में एंट्री करते हैं। आगे चलते हैं। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जैसा कि आपने सिंगल कॉलम कैश बुक को जाना, डबल कॉलम कैश बुक को जाना, उसी तरह से ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे।
सिंगल कॉलम कैश बुक में हमारा केवल अमाउंट का कॉलम था, डबल कैश बुक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास डिस्काउंट एडिशनली बढ़ गया था। और उसी तरह से हम देखें तो जैसा कि नाम से ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और इन्हांस हो जाएगा और बढ़ जाएगा, तो ये तीसरा कॉलम कौन सा होगा? तो ये तीसरा कॉलम हमारा जो होगा ये बैंक का होगा। व्यवसाय में जो बड़े बड़े लेन देन होते हैं उसका पेमेंट चेक के माध्यम से होता है, जिसका संबंध बैंक से होता है इसलिए हम बैंक कॉलम को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम देखते हैं कि व्हेन वन मोर कॉलम ऑफ बैंक इज एडेड इन बोथ साइड ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक, जो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक था उसमें बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट में एक बैंक का कॉलम हम और ऐड कर लेंगे। जैसे कि ये प्रोफार्मा देखिए, कैश बुक ट्रिपल कॉलम इसकी हेडिंग हो जाएगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप देख रहे हैं कि डेट का कॉलम है और उसके बाद पर्टिकुलर है, उसके बाद एलएफ है, डिस्काउंट है, और तीसरा जो हमारा कॉलम बढ़ रहा है वो हमारा बैंक का कॉलम है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। उसके बाद अमाउंट तो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक से ही पता था। हमारे पास जो कॉलम बढ़ रहे हैं वो डिस्काउंट और बैंक के बढ़ रहे हैं। डिस्काउंट हमारा डबल कॉलम कैश बुक में बढ़ा और बैंक ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये, अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जब बैंक का कॉलम हमारा बढ़ गया तो बैंक के कॉलम के बगल, डिस्काउंट के बगल में यहाँ देखिए एलएफ है, तो जब बैंक का हमारा बढ़ गया था, बैंक का जब बढ़ गया था हमारा, तो इस साइड बैंक है, इस साइड बैंक है, तो जब कैश और बैंक दोनों हमारे कैश बुक में दिखाए जाते हैं तो उस स्थिति में हमें कंट्रा एंट्री करनी पड़ती है। तो कंट्रा एंट्री के लिए हम एक संकेत सी लिख देते हैं और वो सी हमारा एलएफ के कॉलम में लिख देते हैं कि जिससे पता चले कि ये कंट्रा एंट्री हुआ है। जो लेन देन कैश और बैंक डेबिट और क्रेडिट साइड के रूप में मिलते हैं उन्हीं लेन देन, उन्हीं ट्रांजैक्शंस में हम कंट्रा एंट्री का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास कैश बुक के ये कॉलम और बैंक डिस्काउंट जो दिख रहे हैं, इन्हीं के आधार पर हम कैश बुक को क्लासिफाई कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसको आप लोगों ने देखा। अब हम आगे चलते हैं, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक खुदरा रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही को प्यारे लर्नर्स जनरली देखा जाता है तो जो भी व्यावसायिक संस्थान होते हैं या कंपनियां होती हैं जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन खर्चों के लिए पेटी कैश बुक का प्रयोग किया जाता है। तो पेटी कैश बुक, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि है क्या। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी मेनी पेटी ट्रांजेक्शंस, देयर फोर कैश इज केप्ट विद एन एम्प्लॉई हु डील विद इट एंड मेक्स रेगुलर पेमेंट आउट ऑफ इट टू मेक इट सिंपल एंड सिक्योर, मोस्टली अ
कॉन्स्टेंट बैलेंस इज केप्ट विद दैट एम्प्लॉई। यानी कि इसको हम आपको एक सामान्य शब्दों में, सामान्य रूप में बतलाएं तो पेटी कैश का आशय है कि उस व्यवसाय के जो भी विभाग होते हैं, उस विभाग के लिए जो हमारा अकाउंटेंट होता है, वो अकाउंटेंट उस पर्टिकुलर विभाग के लिए एक मुश्त कुछ अमाउंट दे देता है। उस अमाउंट से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको पूरा किया जाता है, उसके लिए ही पेटी कैश बुक का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रोफार्मा को भी ध्यान से देखिए। फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक इसकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट रिसिप्ट आप देख रहे हैं, तो ये अमाउंट रिसिप्ट जो है कहाँ से मिला है, तो जो प्रधान रोकड़िया होता है, जो हमारा अकाउंटेंट होता है, वो उस डिपार्टमेंट को जो भी अमाउंट देता है वो रिसिप्ट के कॉलम में पेटी कैश बुक ये डिपार्टमेंटल लेवल पे बनाया जाता है। तो वहाँ पर ये पेटी कैश बुक में जो अमाउंट हमारे प्रधान रोकड़िया से प्राप्त होता है, अकाउंटेंट से प्राप्त होता है, उसको हम अमाउंट रिसिप्ट के कॉलम में लिख लेते हैं, पर्टिकुलर वो डेट लिख देते हैं। कैश बुक फोलियो, तो जो कैश बुक का फोलियो पृष्ठ संख्या होता है वो यहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है और प्रधान रोकड़िया के पास होता है, वहाँ से मिल जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में विवरण कि ये अमाउंट कहाँ से आया, किस लिए आया, वो सब चीज़ें लिख दी जाती हैं। उसके बाद लेजर फोलियो, तो जो हम लेजर बनाते हैं उसमें उसका पृष्ठ नंबर डाल देते हैं। ये सब किस लिए, तो ये सब जो आपको अभी ये जर्नल्स और जर्नल्स की सहायक बहियाँ जो आपको देखी जा, आप देख रहे हैं सब्सिडरी बुक, सो ये जो होते हैं ये प्रमाणन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जब ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटिंग के समय इनका प्रयोग सत्यता को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब अमाउंट जो पेड हुआ है, अमाउंट पेड यानी कि डिपार्टमेंट लेवल पे जो अमाउंट पेड किया गया, जिन खर्चों का, उसके बारे में यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, कार्टेज, लोडिंग, पोस्टेज, ये सब के बारे में और भी इसमें कॉलम भर सकते हैं, जितने भी खर्चों के नेचर के व्याप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम वाउचर नंबर डालते हैं। वाउचर नंबर डालने का सेंस है कि हमारा जो ये पेमेंट किया गया है ये इसका वाउचर संख्या क्या है, तो वो इस पे डाल देते हैं, जो हमें ऑडिटिंग के समय बहुत ही सहायता प्रदान करता है। अब आगे हम चलते हैं तो परचेज बुक, जर्नल की जो अगली बुक है, अगली सब्सिडरी बुक है, सहायक वही है, वो हमारा परचेज बुक के नाम से जानी जाती है। तो परचेज बुक इसका आशय क्या है, तो व्यवसाय में जो भी क्रय, जो भी परचेजिंग ऑन क्रेडिट पे आप पे होती है, जो भी क्रय व्यवसाय में उधार किया जाता है उसी को हम परचेज बुक में लिखते हैं। तो परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परचेज बुक इज नॉट अ परचेज लेजर, यह परचेज लेजर की तरह नहीं है, यह केवल उधार क्रय के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका प्रोफार्मा भी देख लिया जाए तो प्रोफार्मा में सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसकी हेडिंग जो आती है वो परचेज बुक के रूप में आती है, और इसके बाद इसके पास जो कॉलम होंगे, तो देयर आर 5 कॉलम आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, तो ये 5 कॉलम की बही होती है, और इसमें पहला डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम, तीसरा आपका इनवर्ड इनवाइस नंबर, यानी कि जब हम गुड्स को परचेज करके लाते हैं तो उसके लिए जो हमें इनवाइस मिलता है उस नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं, LF और अमाउंट। इस प्रकार से इसके ये कॉलम हुए, जो भी हमारे उधार क्रय होते हैं उसको हम इस परचेज बुक में नोट करते हैं, एंट्री करते हैं। और उसके बाद जो हमारी अगली सहायक पुस्तक है तो वो सेल्स बुक के रूप में जानी जाती है। जैसा कि परचेज बुक के बारे में आपने देखा कि उसमें केवल उधार क्रय को ही
प्रविष्ट के रूप में रखा जा रहा था, यानी कि जिस ट्रांजैक्शन का जिस सौदे का संबंध उधार से होता है, यानी कि क्रेडिट भी आप पे होता था, वो परचेज हमारे परचेज बुक में लिखा जाता था। उसी तरह से सेल्स बुक में जो भी उधार विक्रय होगा, जो भी क्रेडिट सेल्स होगा, उसकी हम एंट्री करते हैं। तो अब इसके बाद हम इसके पर फार्मा को भी देख लें, फॉर्मेट को भी देख लें। तो इसका फॉर्मेट में सेल्स बुक हम लिखेंगे, सेल्स बुक में एज इट इज, जैसे कि परचेज बुक में जितने कॉलम होते हैं उतना ही कॉलम हमारे सेल्स बुक में भी होता है। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमारा डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, इनवाइस ऑनवर्ड, एलअप और अमाउंट, ये हमारे पांच कॉलम यहाँ भी मिलते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा परचेज रिटर्न बुक आता है। परचेज रिटर्न बुक का आशय है कि जो भी उधार क्रय हुआ था किन्हीं कारणवश उसे लौटा दिया गया, किसी कारणवश उसे लौटा दिया गया, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि समटाइम गुड्स आर टू बी रिटर्न बैक टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजन्स, बहुत से रीजन हो सकते हैं, रास्ते में आते समय टूट फूट हो गया हो, या उसका एक्सपायरी डेट वगैरह हो, या उसका डिजाइन चेंज हो गया होगा, कस्टमर लेने से इनकार कर रहा होगा, तमाम बातें हैं। तो ये उसके बिहाव पे अगर हमने रिटर्न कर दिया है तो उसके लिए हम ये परचेज रिटर्न बुक को प्रयोग करेंगे। द मोस्ट कॉमन रीजन बीइंग डिफेक्टिव गुड्स और पुअर क्वालिटी गुड्स, बात वही है कि सामान टूट फूट गया हो या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो या उसके कुछ प्रारूप में परिवर्तन हो गया हो इनोवेशंस के कारण और कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया होगा। उसके बाद अ डेबिट नोट इज इशूड, तो यहाँ पे एक डेबिट नोट इशू किया जाता है। और परचेज रिटर्न बुक के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला आता है वो परचेज रिटर्न बुक का प्रोफार्मा आता है। तो परचेज रिटर्न बुक के प्रोफार्मा में हम यहाँ पे क्रेडिट नोट का कॉलम बढ़ा लेते हैं, तो डेट पर्टिकुलर क्रेडिट नोट एलएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। अब आगे चलें तो सेल्स बुक, सेल्स बुक में भी सेल्स रिटर्न की बात होती है। सेल्स रिटर्न बुक में जो भी सेल्स रिटर्न हो जाते हैं उसके बारे में, तो ये कह रहा है अ क्रेडिट नोट इज इशूड टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को एक क्रेडिट नोट वो कर दिया जाता है और डेबिट नोट को वो कस्टमर को दे दिया जाता है। तो सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद डेट पर्टिकुलर डेबिट नोट्स एलएफ और अमाउंट, ये आपके सामने दिख रहा है, इस पर आप फोकस कर लीजिए, इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि रिटर्न में आप परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों को पाते हैं। तो एक जगह आप क्रेडिट नोट को देखे होंगे वो आपके परचेज रिटर्न बुक में होगा, और यहाँ पर डेबिट नोट जो सेल्स रिटर्न बुक में है, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, इसको ध्यान में रखना होता है। अब आगे हम चलते हैं तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक, इस सहायक बही के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान देने के लिए हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो बिल्स आर रेज्ड बाई क्रेडिटर्स टू डेप्टर्स, द डेप्टर्स एक्सेप्ट देम एंड सब्सिक्वेंटली रिटर्न देम टू द क्रेडिटर्स, यानी कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में क्या है कि जो देय बिल होता है, प्राप्य बिल होता है, उसके लिए हम ये सहायक बही का प्रयोग करते हैं। और इसके प्रोफार्मा को देखें, आगे कुछ बातें इसके प्रैक्टिकल में ही आपको समझ में आएगी। तो मोटे तौर पे आप ये देखें, बिल्स रिसीवेबल के लिए जो हमारे पास ये प्रोफार्मा है, तो डेट है रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से प्राप्त हुआ, टर्म, ड्यू डेट, एलएफ और अमाउंट। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल में
जो डेज की बात आती है तो उसमें पेमेंट करने के लिए ग्रेस पीरियड हमारा 3 डेज का होता है, जो उसमें इंक्लूड करके दे दिया जाता है। जैसे कि कोई बिल अगर मान लीजिए 30 अप्रैल की बात करता होगा तो उसका ग्रेस पीरियड अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 तीन दिन और, यानी कि उसका पेमेंट 4 तारीख को होगा। अब आप अगले प्रोफार्मा पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल पे आप देखेंगे तो जैसा कि बिल्स रिसीवेबल का कॉलम था वहाँ पर फ्रॉम था, यहाँ पे टू हुम गिवेन, और उसके बाद टर्म, ड्यू डेट, एलएफ अमाउंट, ये कॉलम आपके पास दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार से हम देखें तो प्यारे लर्नर्स, आपको प्रोफार्मा के बारे में हमने सारी बातें बताया। अब आगे जो है, जब प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन होंगे तो इन के भी हाफ पे आपको उस समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ आसानी होगा। अगले लेक्चर में हम पुनः मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।